नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान पलक बुद्धा आईटीआई और पलक टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक मुन्ना तिवारी के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पपौर और राजकीय मध्य विद्यालय मटुक छपरा में पहुंचकर बच्चों के बीच प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि जो बच्चे अच्छे अंक ला रहे हैं या अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उसको लेकर के मुन्ना तिवारी ने अपनी संस्था के तरफ से कॉपी, पेन, ये सब चीज़ें जो पठन पाठन की सामग्री है उसे बांटने का काम किए और साथ ही साथ बच्चों को सम्मानित भी करने का काम किए। दरअसल आपको बताते चले कि सरकार के द्वारा भी योजना चलाई गई जा रही है और तमाम विद्यालयों में कार्यक्रम भी रखा गया था। जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया था और इसी क्रम में मुन्ना तिवारी जो पलक टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक हैं, पलक बुद्धा आईटीआई भी चलाते हैं, उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। तमाम जो बच्चे अच्छे अंक लाए हुए हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, कॉपी पेन कलम बांट करके बहुत सराहनीय कार्य किया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये ग्रुपिंग फ़ोटो भी देख सकते हैं। तमाम विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल और मुन्ना तिवारी समाज से जुड़े तमाम वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे बैठ पहुँचे हुए हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मुन्ना तिवारी पहुँचे हुए थे जो पलक बुद्धा आईटीआई के संचालक हैं। एक बार फिर से बता दें कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पपौर और राजकीय मध्य विद्यालय मटुक छपरा सहित कई विद्यालयों में मुन्ना तिवारी पहुँचे और वहाँ पर बच्चों के बीच कॉपी पेन कलम पेंसिल यह सब बांटने का काम किए। दरअसल आपको बताते चले कि मुन्ना तिवारी को भी वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सम्मानित किया गया फूलों का माला पहना करके। तमाम जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पहुँचे हुए थे उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया गया था जो मुन्ना तिवारी के साथ गए हुए थे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे मुन्ना तिवारी तमाम जो बच्चे हैं उन बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं, हाथों में मेडल भी दे रहे हैं और उसके बाद पेन और कॉपी भी बांटने का काम किए। और इसके बाद से बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और बच्चों ने काफ़ी तारीफ भी की और साथ ही साथ उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी काफ़ी तारीफ की कि मुन्ना तिवारी के द्वारा जो कार्य किया गया वाकई में सराहनीय कार्य किया गया है। मुन्ना तिवारी लगातार आपको बता दें कि समाज के लिए कभी भी खड़े रहते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि रखते हैं और इसी को लेकर मुन्ना तिवारी विद्यालय में पहुँचे हुए थे और तमाम विद्यालय के बच्चों के बीच जो अच्छे अंक प्राप्त किए हुए थे उनको इस तरीके से पेन और कॉपी बांटकर, प्रशस्ति पत्र बांटकर, मेडल दे करके उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। एटीएन लाइव के लिए रिशु आतिफ के साथ चंदन कुमार सिवान। सातवां में प्रथम स्थान इनको प्रगति पत्रक इसी तरह से प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे हम। चलिए, तिवारी आए हुए थे, कॉपी और किताब बांटे गया, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे शिक्षा प्रेमियों का आना विद्यालय के विकास में बेहतर सिद्ध होगा और जब विकास होगा विद्यालय का तो बच्चों का, तो इस प्रकार समाज एवं राष्ट्र का विकास भी हो जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें वर्ग 1 से 7 तक के बच्चे जो अपने वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए हुए थे उन सबको पुरस्कार दिया गया एवं प्रमाण पत्र दिया गया। ये राजकीय मध्य विद्यालय मटुक छपरा NH 227 पर स्थित है। मैं श्रीकांत, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय मटुक छपरा, प्रखंड पचौकी, जिला सिवान से। शिक्षाविद हैं और वर्षों से उनका अपना इतिहास रहा है। संयोग है हम लोग के पास पहली बार आए हैं, उनका स्वागत हम अपने कैंपस में करते हैं। राज, आपके स्कूल में सर फंक्शन है सर, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है सर? मोटिवेशनल इसके साथ साथ हमारा 3-4 कार्यक्रम और था, प्रवेशोत्सव भी था, बच्चों को प्रगति पत्र भी वितरण करना था। वैसे 9 वर्ष की सुविधा आज शुरुआत भी हो रही है, लेकिन हम लोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो विशेष नामांकन अभियान है। जी सर, एजुकेशन कहाँ है स्कूल का? एजुकेशन को एजुकेशन है 1-8 है जी। स्कूल का लोकेशन सर? स्कूल का लोकेशन यहाँ पलक आईटीआई से 1 किलोमीटर सीधे आगे बढ़ने पर राइट साइड में मेरा पंचायत भवन के बगल में पड़ता है सर। किस गांव में है सर? पपौर। पर सर आपका नाम क्या है? निशिकांत सिंह।
बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक पेंटिंग योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।